हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति, एस एम भी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइड्रोस्टैटिक पर आधारित बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी कि आने की भी संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधी बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर स्टीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर रीच। स्टीम लाइन फ्लो मीन्स धारा रेखी प्रवाह। कह रहा है कि धारा रेखी प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या है, रेनॉल्ड संख्या का मान होता है ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यह बीएचयू बीएससी एंट्रेंस वर्ष 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर जरा देखें, पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है बिटवीन 2000 एंड 3000, ऑप्शन सी अबव 3000 एंड ऑप्शन डी है बिलो 2000। तो इसमें से कौन सा संख्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर पर। तो रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड क्या है? रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी ट्यूब में, किसी भी नली में अगर द्रव प्रवाहित हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो कब वह स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा मीन्स धारा रेखी में होगा, और कब उसका प्रवाह टर्बुलेंट होगा मीन्स विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया, और वह जो फार्मूला था वह बिल्कुल क्या था, एक कांस्टेंट था, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, उसका कोई डायमेंशन नहीं था, कोई यूनिट नहीं था। और उसका जो फार्मूला आया, तो उन्होंने देखेंगे रेनॉल्ड्स संख्या, ये क्या है, कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में कोई अगर द्रव फ्लो कर रहा है तो रेनॉल्ड्स संख्या से हम बता पाएंगे कि कब इसका फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो है और कब इसका फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है। तो रेनॉल्ड्स ने जो फार्मूला डिराइव किया या जो फार्मूला दिया वह क्या था, यहाँ पर देखिए रेनॉल्ड्स का फार्मूला ए रो भी स्क्वायर अपान ए ईटा भी और होल अपान डी था। यह फार्मूला उन्होंने दिया, रेनॉल्ड्स ने ये जो फार्मूला दिया इसका कोई यूनिट नहीं है और ना ही इसका कोई डायमेंशन है। और जब इसकी जो वैल्यू आती है, जब इसकी वैल्यू रेनॉल्ड्स संख्या की वैल्यू 1000 या बिलो 1000 होता है तो प्रवाह क्या रहता है, जो लिक्विड का फ्लो है वह स्ट्रीम लाइंड फ्लो मीन्स धारा रेखी प्रवाह होता है। और जब वैल्यू इसकी रेनॉल्ड्स संख्या की वैल्यू मोर देन 2000 से जब ज़्यादा होता है तो जो प्रवाह है, जो लिक्विड का फ्लो है वह टर्बुलेंट फ्लो होता है। और जब 1000 से 2000 के बीच में रहता है तो वहाँ पर प्रवाह न तो स्ट्रीम लाइन रहता है और न टर्बुलेंट रहता है, मीन्स वह मिक्स रहता है। तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन देखेंगे कि फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर इज, रेनॉल्ड्स संख्या का मान कितना होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स संख्या का वैल्यू होता है वह आर ई क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 1000 होता है। 1000 या इससे अगर कम है तो जो फ्लो है लिक्विड का ट्यूब में वह क्या रहता है, स्टीम लाइन फ्लो रहता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौलीज थ्योरम किस बेस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है मोमेंटम, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है एनर्जी एंड ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, थोड़ा सा अब हम लोग यह देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, देखेंगे प्रेशर इनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है। बर्नौली जी ने क्या बताया कि किसी भी ट्यूब में जैसे यह कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में कोई भी अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है और स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, यहां पर देखिए कंडीशन में लगा कि इसका प्रवाह जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। तो अगर किसी ट्यूब में कोई लिक्विड है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, तो वहां पर क्या कहा, कहा कि प्रेशर इनर्जी, मीन्स पी प्लस काइनेटिक इनर्जी, मीन्स हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल इनर्जी, मतलब मीन्स रो जी एच, यहां पर जरा देखेंगे रो जी एच, क्या कहा ये पूरा का पूरा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह भी एनर्जी है, और एनर्जी टोटल क्या है कांस्टेंट है, मींस प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम किस बेस पर आधारित होगा, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी के कंजर्वेशन सिद्धांत पर आधारित है, मीन्स ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए लॉन्ग हॉरिजेंटल ट्यूब लेट पी ए एंड पी बी बी द प्रेशर एट टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द ट्यूब, देन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी, ऑप्शन बी है पी ए मस्ट बी ग्रेटर देन पी बी, ऑप्शन सी है पी ए मस्ट बी स्मॉलर देन पी बी, ऑप्शन डी है पी ए इक्वल टू पी बी ओनली इफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट ए एंड बी आर इक्वल। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे सोल्यूशन ऑफ 3, यहां पर कहा कि एक हॉरिजेंटल पाइप है, इस तरह से एक हॉरिजेंटल पाइप है और इसमें से वाटर क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, ये वाटर है और इस पर दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए मान लिया एक पॉइंट बी मान लिया, यहां पर प्रेशर पी ए मान लेते हैं, यहां पर प्रेशर कितना मान लेते हैं पी बी, और यहां पर वेलोसिटी वी ए मान लिया और यहां पर वेलोसिटी वी बी मान लिया। अब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए, तो क्या होगा, क्योंकि देखेंगे वाटर क्या है स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है और उसके बाद ये क्या है हॉरिजेंटल ट्यूब है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए जब हम लोग बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो इस तरह से यह आएगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच, एच क्या है हाइट समान है तो हम यहाँ पर एच मान लेते हैं, पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब रो जी एच कैंसिल हो जाएगा तो यह इक्वेशन इस तरह से आएगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, अब यह इक्वेशन बना। अब ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन जो कह रहा है कि पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी, कह रहा है कि पी ए की वैल्यू पी बी के इक्वल होनी ही चाहिए, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी हो, क्यों, क्योंकि पी ए की वैल्यू कम या ज्यादा भी हो सकता है कहीं पर। ऑप्शन बी जरा देखें, पी ए मस्ट बी ग्रेटर देन पी बी, कह रहा है कि नहीं नहीं पी ए की वैल्यू अधिक होनी चाहिए पी बी से, तो इसमें ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं कहा कि वेलोसिटी कहां पर अधिक है कहां पर कम है, तो इसलिए हम यह नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में पी ए की वैल्यू अधिक ही होनी चाहिए। इसी तरह से ऑप्शन सी दिया हुआ है कि पी ए मस्ट बी स्मॉलर देन पी बी, कह रहा है कि पी ए की वैल्यू पी बी से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो चूंकि जब इसमें दिया रहता कि वाटर बी से ए की ओर फ्लो कर रहा है तो बी पर क्या होता प्रेशर ज़्यादा रहता वेलोसिटी कम रहता, ए पर क्या रहता प्रेशर
अधिक ए पर प्रेशर कम रहता तो वेलोसिटी क्या रहता, ज्यादा रहता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन डी पर आते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी ओनली इफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट ए एंड बी आर इक्वल। ऑप्शन डी ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि कह रहा कि अगर ए और बी पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, पी ए और पी बी इक्वल हो गया और कह रहे हैं साथ साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल हो, तो जितना वॉल्यूम इसमें प्रवेश करेगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर भी निकल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों जगह इक्वल है तो दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर याद रखें पी ए इक्वल टू पी बी मीन्स यहां से अगर पी ए इक्वल टू पी बी रख देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, हाफ रो भी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो भी बी स्क्वायर, और इस तरह से हाफ रो से कट जाएगा और आएगा भी ए इक्वल टू भी बी मीन्स दोनों जगह वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। कब? जब कि प्रेशर दोनों जगह इक्वल हो और ट्यूब क्या हो, हॉरिजेंटल हो, तो उस अवस्था में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों जगह वेलोसिटी क्या आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा तीसरे का, वह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।